तो एंड्रॉइड बना जा रहा है आईओएस और आईओएस बनता जा रहा है एंड्रॉइड भाई। फाइनली GTA 6 से पहले हमने आईफोन के अंदर कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर देख लिया है। तो आज तक का सबसे बड़ा आईफोन के इतिहास में चेंज हुआ iOS 18 की अपडेट के बाद, और हमने अपने दोनों ही फोनों के अंदर iOS 18 का बीटा वर्जन डाल लिया है। और भाई यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग से लेकर आइकन को इधर उधर कर सकते हो, आंखों से फोन को पूरा कंट्रोल किया जा सकता है, और आप अपनी आवाज से भी कहकर कुछ भी करा सकते हो। तो सारी चीजों की बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, बट एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, अगर आप भी iOS 18 का बीटा वर्जन अपने फोन के अंदर डालने की सोच रहे हो तो इस सोच को दबा दो, क्योंकि भाई iOS 18 के बीटा वर्जन में अभी काफी सारे बग हैं, फोन हैंग हो रहा है, काफी ज्यादा हीट हो रहा है। तो मैं कहूंगा एक स्टेबल वर्जन का वेट करो, उसके बाद ही इसे यूज करना। बट हमने आपके लिए एक रिस्क लिया, फोन भी फट जाए तो चलेगा, बस आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारी जिंदगी बदल सकता है, तो वो कर देना। खैर आज की इस वीडियो के अंदर हम उन सारी फीचर्स की बात करेंगे जो कि iOS 18 के साथ हमने अपने फोन के अंदर एक्सपीरियंस करे हैं। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं पहले सबसे बड़े चेंज से, और वो है भाई अब एंड्रॉइड की तरह आप कहीं भी आइकन को उठा के इधर उधर प्लेस कर सकते हो। और ये मेरे को काफी यूजफुल लगा, क्योंकि काफी बार क्या होता था ना, मैंने कोई वॉलपेपर लगाया है और वॉलपेपर में कोई कार्टून है, उसकी आंख पर कोई आइकन है, अब मैं उसे हटाता था, हटता ही नहीं था, लेकिन अब ये आराम से हट जाता है। तो अब इसे आप कहीं भी रख सकते हो, प्लस आइकन के साइज को कम ज्यादा किया जा सकता है। इसके अलावा आपको पता ही है कि डार्क मोड भी ऐड कर दिया इन्होंने इसके अंदर, मतलब आप चाहते हो कि भाई आपको बैटरी बचानी अपने फोन के साथ, और चाहे तो आप इसे ऑटो मोड पर भी लगा सकते हो, मतलब जैसे सूरज ढले तो आपके आइकन का भी रंग ढलता चला जाए और ये डार्क मोड में लग जाए। बाकी एंड्रॉइड के जैसे आइकन की भी कलर थीम अब आप चेंज कर सकते हो, वॉलपेपर के हिसाब से लगाना है ये ऑटोमेटिकली भी लगा देगा, और चाहे तो आप भी सेलेक्ट करके लगा सकते हो, तो ये बढ़िया है, मतलब अब आप अपने यूआई को सतरंगी बना सकते हो। और मोस्टली आइकन को आप ऐसे होल्ड करके ना भाई विजिट में भी चेंज कर सकते हो, और काफी स्मूथली काम कर रहा है ये भी। और अभी क्या है ना भाई, आईफोन को स्विच ऑफ करने में काफी सारे यूजरों को दिक्कत होती थी, ढूंढते रह जाते कि भाई स्विच ऑफ का बटन कहां है, तो अब कुछ नहीं करना, सिर्फ कंट्रोल सेंटर में जाना है और ऊपर की तरफ आपको स्विच ऑफ का ऑप्शन दिख जाएगा, उस पर प्रेस करके स्वाइप करके आप स्विच ऑफ कर सकते हो अपने फोन को। बाकी यहां पर जो कंट्रोल सेंटर है इसका लुक चेंज करा गया है, और लुक ही नहीं यहां पर ग्रुपिंग भी की गई है। जैसे देखो ये कंट्रोल सेंटर है, इसके ऊपर जाऊंगा तो यहां पर म्यूजिक आ गया, इसके ऊपर जाऊंगा तो यहां पर जितने भी नेटवर्क रिलेटेड फीचर हैं वो आ जाएंगे, और उसके नीचे आप चाहे तो कुछ भी ऐड कर सकते हो। यहां पर आइकन्स को आप रीअरेंज भी कर सकते हो, साइज कम ज्यादा भी कर सकते हो, और आप चाहते हो किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के कंट्रोल्स को ऐड करना तो वो भी हो जाएगा इसके अंदर। और यहां पर जैसे मैंने बताया ना, साइड में देखो हर्ट आ रहा है, मतलब अपना नॉर्मल कंट्रोल सेंटर, उसके नीचे म्यूजिक आ रहा है, और चाहे तो आप इसे ऐसे खिसका के भी यूज कर सकते हो, तो ये मस्त लगा मेरे को तो। और एंड्रॉइड यूजर की तरह अगर आप डेवलपर हो तो इसके अंदर भी कंट्रोल API डाल दिया, जिससे आप ऐप के कंट्रोल को खुद से डेवलप भी कर सकते हो, तो ये भी बिल्कुल एंड्रॉइड वाली चीज डाल दिया। तो सारे कॉपी पेस्ट लग रहे हैं फीचर अभी तक, है ना, लेकिन आगे मैं बताऊंगा जो कॉपी पेस्ट नहीं है। खैर यहां पर नेक्स्ट फीचर जो मेरे को हमेशा से लगता था भाई एप्पल को डालना चाहिए, यहां पर जैसे देखते हैं लॉक स्क्रीन पे तो आपको एक राइट कॉर्नर पर मिलता था भाई कैमरे का, और लेफ्ट कॉर्नर पर मिलता था फ्लैश का, तो अब आप उसको भी कस्टमाइज कर सकते हो किसी भी एप्लीकेशन से जो कि आपको क्विक एसिस करनी है। बट अब आपके दिमाग में आ रहा होगा लेकिन भाई कैमरा कहां जाएगा, अगर मेरे को दो यूज करनी और कैमरा भी चाहिए, तो कुछ नहीं करना, आपको ऐसे स्वाइप कर देना, आपका कैमरा धड़ाधड़ चालू हो जाएगा फिर से। अब एंड्रॉइड यूजर की हमेशा से एक डिमांड होती थी मेरे कमेंट सेक्शन में लिटरली कि भाई ऐप लॉक कब आएगा इसके अंदर, तो फाइनली ऐप लॉक डाल दिया है। और जो नए एंड्रॉइड के अंदर एक ऐप हाइड का फीचर आ रहा है ना, वो भी iOS 18 के अंदर इन्होंने डाल दिया है कि आप अब ऐप्स को हाइड कर सकते हो। और ऐप अनलॉक करने की जो फेस आईडी की एनिमेशन है ना, वो भी काफी मिनिमल सी है, बाकी जो आपने ऐप्स हाइड करी है वो आपको लाइब्रेरी में नीचे की तरफ देखने के लिए मिल जाएगी, वहां से जाकर एसेस कर सकते हो। तो ये आपके एंड्रॉइड के फीचर उठाकर यहां पर सारे डाले हैं, और वो भी काम काम के, जो भी शिकायतें होती थी एंड्रॉइड यूजर की iOS के अंदर नहीं है, तो अभी तक तो वो सारे ही फीचर ऐड कर दिए इन्होंने। बाकी जैसे कि आई मैसेज मिलता है भाई एप्पल के अंदर, तो अभी क्या है एंड्रॉइड यूजर को भी आप सर्कल में ऐड कर सकते हो आई मैसेज के, क्योंकि अभी एंड्रॉइड यूजर की तरह RCS प्रोटोकॉल का यूज लेगा, तो इंटरनेट को यूज करके आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो एंड्रॉइड यूजर के साथ। लेकिन यहां पर ये क्लियर नहीं है कि इफेक्ट के साथ आप मैसेज सेंड कर सकते हो एंड्रॉइड यूजर को या नहीं, क्योंकि अभी ये बीटा वर्जन है, तो जैसे स्टेबल वर्जन आएगा उसके बाद में ये चीज क्लियर कर दूंगा और हमें भी हो जाएगी। इसके अलावा जो टेक्स्ट इफेक्ट्स हैं वो भी काफी ज्यादा ऐड कर दिए इन्होंने, और कमाल की चीज ये लगी, मानो मुझे नींद आ रही है, मेरे दोस्त का बर्थडे 12 बजे मेरे को विश करनी है, तो मैं स्केड्यूल कर सकता हूं उसे, जैसे कि इंस्टाग्राम वगैरह पर हम पोस्ट कर सकते हैं, तो ये वाली चीज काफी ज्यादा यूजफुल होने वाली है। मैं मस्त सोऊंगा, उसे मैसेज चला जाएगा, वो भी खुश और मैं तो खुश होऊंगा ही। बाकी जो टेक्स्ट है उस पर आप पहले रिएक्शन कर सकते थे कुछ ही इमोजीज के अंदर, लेकिन अभी इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की तरह हर एक इमोजी को यूज करके रिएक्ट कर सकते हो, तो ये वाला फीचर भी इन्होंने एक तरीके से ऐड किया इसमें। बाकी सैटेलाइट कनेक्टिविटी का यूज लेके आप बिना इंटरनेट
नेट के और बिना नेटवर्क के मैसेज खेल सकते हो। ये फीचर हो सकता है इंडिया के अंदर ना ही, क्योंकि हमें इंडिया के अंदर कोई भी सैटेलाइट कनेक्टिविटी वाला फीचर नहीं मिला किसी भी ब्रांड की तरफ से। और फोटो ऐप के अंदर इन्होंने तगड़ा चेंज करा, यहाँ पर कैटेगराइज कर दिया, जैसे कि सबसे ऊपर आपको लेटेस्ट फोटो मिलेगी। ट्रिप के हिसाब से इन्होंने कैटेगरी बांट दी, जैसे कि मैंने अभी वैष्णो देवी की, मसूरी की और जयपुर की ट्रिप करी थी तो उनके अलग फोल्डर बना दिए, जिससे मेरे को चाहिए ना किसी पर्टिकुलर ट्रिप की फोटो तो मैं डायरेक्ट जाकर ले सकता हूँ, मेरे को ऐसे स्क्रॉल करके ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये मेरे को सबसे बढ़िया चीज लगी। बाकी रिसेंट डेज में मैंने जितनी एक्टिविटीज करी है उनकी अलग से मिल जाएंगी, और जितनी मैंने फोटो क्लिक करी ना अगर उसमें से कोई भी फोटो ऐसी है जो वॉलपेपर बनाई जा सकती है तो उसका भी सजेशन नीचे की तरफ मिल जाएगा। और आप चाहते हो कि भाई ये ऐसे अरेंज ना हो आपके हिसाब से, तो आप कस्टमाइज कर सकते हो कि आपको क्या चीज रखनी है, क्या ऊपर रखना है, क्या नहीं रखना, तो वो सारी चीज भी कस्टमाइज की जा सकती है फोटो एप्लीकेशन के अंदर। तो ये वाली चीज भी काफी बढ़िया है, मेरे को तो पर्सनली बहुत सही लगी, क्योंकि मैं काफी ज्यादा ट्रिप पर जाता हूं और पर्टिकुलर फोटो को ढूंढने में दिमाग भी मारना पड़ता है, तो अब डायरेक्ट मिल जाएगी कहां पर रखी है। बाकी सेटिंग्स एप्लीकेशन के अंदर जो हमने देखा है कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जितनी भी इंस्टॉल करी है ना वो भी आती थी, तो काफी ज्यादा मैस फैल जाता था। तो अभी क्या है, जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है सेटिंग्स में जाओगे तो उसका एक अलग से फोल्डर होगा, आपको अलग से वो देखने के लिए मिलेंगे एक पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर, ऐसे नहीं है भारी पड़ी है सारी एप्लीकेशन। इसके अलावा सेटिंग्स में एक्सेसिबिलिटी में व्हीकल मोशन क्यूज मिलता है, मैंने पहले भी बताया था जिन लोगों को मोशन सिकनेस होती है कार के अंदर फोन चलाते हुए, जैसे मुझे होती है, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर पूछा था किसे किसे होती है, लिटरली हर किसी ने लिखा भाई अस मूवमेंट हो गया है, तो मैंने देखा ये बहुत ज्यादा मेजर इशू है। तो यही चीज एप्पल ने ऑब्जर्व करी और इस ऑप्शन को डाला। अब इस ऑप्शन को इनेबल करते ही आपके फोन पर काफी सारी डॉट्स आएंगी जो कि अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी आपकी कार जिस भी डायरेक्शन में चल रही है उसके कंपैरिजन में। और हमें जब भी मोशन सिकनेस होती है ना तो वो होती है आंख और कान के बीच में ढंग से सिग्नल नहीं बन पाता कि हम चल रहे हैं रुके हुए हैं, जिससे माइंड कंफ्यूज हो जाता है और हमें ये प्रॉब्लम होती है। तो इसे इनेबल करने के बाद ये चीज काफी हद तक कम हो जाएगी। अब कितना कम होगी वो तो हमें कुछ टाइम बाद ही पता लगेगी। और इसी के अंदर एक्सेसिबिलिटी में दो फीचर बहुत ज्यादा सॉलिड है। एक तो जैसे एप्पल विजन के अंदर आप पूरे विजन को हाथ से नहीं आंखों से कंट्रोल करते हो ना, तो अब आप अपने आईफोन को भी कंट्रोल कर सकते हो। सेटअप करते हो ये थोड़ा सा टाइम लेता है लेकिन उसके बाद भाई मस्त चलता है। लेकिन एक दिक्कत है, अगर आपको किसी चीज को सेलेक्ट करना है तो आपको उसे घूरना पड़ेगा थोड़े टाइम तक, उसके बाद ये सेलेक्ट करेगा। बट मेरे को जो कंट्रोलिंग है वो काफी अच्छी लगी है, जैसे कि मेरे को बिना हाथ लगाए भी फोन यूज करना है तो मैं कर सकता हूँ। बाकी वोकल शॉर्टकट डाला है इन्होंने, मतलब मैं अपने फोन से जैसे बर्तन धो रहा हूँ और मैं रील देख रहा हूँ, मैंने फोन रखा हुआ है, मैं इससे बोलूंगा अब ये भाई स्क्रोल अप करता रहेगा रील्स को, तो ये वाला फीचर बढ़िया है। मैं कोई भी कमांड दे सकता हूँ इसे, मतलब आपको कुछ भी कराना है तो आप कोई किसी भी पर्टिकुलर कमांड को कस्टमाइज कर सकते हो किसी भी एक्शन के लिए इसके अंदर। जैसे मैंने किया हुआ है, मैं ओके गूगल बोलता हूँ तो सिरी एक्टिवेट हो जाता है। ओके गूगल, गजब बेइज्जती है। और सीरी के अंदर भी अपडेट के बाद कुछ चेंज आए हैं, लेकिन बीटा वर्जन के अंदर अभी इसके सारे चेंजेस नहीं आए हैं। जैसे कि यहाँ पर जब आप सीरी बोलोगे तो पहले सर्कल आता था, अब सर्कल नहीं आएगा, फोन के साइड साइड में एक एम्बिएंट लाइट आएगी जिसके बाद सीरी रिस्पॉन्स करेगी। और सीरी अब पहले से ज्यादा पर्सनलाइज हो गई है, जैसे कि गूगल भैया हमारे काम करते थे, मतलब आप किसी टॉपिक पे बैक टू बैक क्वेश्चन पूछोगे तो पहले सीरी रिस्पॉन्स नहीं करती थी, उसे लगता था हर बार आप कुछ नया पूछ रहे हो, लेकिन गूगल करता था। तो अब सीरी भी इसी तरीके से करेगी और सीरी यहाँ पर एआई का यूज भी लेगी और काफी ज्यादा बढ़िया से रिस्पॉन्स करने वाली है। बाकी यहां पर चैट जीपीटी का भी यूज लेने वाली है सिरी, और अगर कोई टॉपिक है जिस पर सिरी हाथ खड़ा कर लेती है तो ये चैट जीपीटी को उसे खिसका देगी क्वेश्चन को। लेकिन जब भी चैट जीपीटी का यूज लिया जाएगा तो उस टाइम पे सिरी आपसे पूछेगी कि मैं ये वाला जो आपका डेटा है जो आप पूछ रहे हो क्या मैं चैट जीपीटी को सेंड कर दूं, तो हर बार आपसे एसिस लिया जाएगा जब भी चैट जीपीटी को एक क्वेश्चन सेंड करेगी। बाकी चैट जीपीटी का आप यहां पर भरपूर यूज कर सकते हो, आप इससे नोट्स लिखवा सकते हो अपने, समराइज करवा सकते हो किसी भी टॉपिक को, यहां तक कि आप इमेज भी क्रिएट करा सकते हो। तो चैट जीपीटी भाई यहां पर डाल दिया गया है, हालांकि कुछ क्वेश्चन हैं काफी लोगों के चैट जीपीटी को लेकर। अब मैं सोच रहा हूं उस पर वीडियो प्लान कर रहा हूं तो हो सकता है उस पर वीडियो आ जाए अलग से कि चैट जीपीटी के कुछ डिसएडवांटेज भी होने वाली आईफोन के अंदर। बाकी चैट जीपीटी को छोड़ के जितना भी काम एआई से होगा ना वो प्राइवेट क्लाउड पर होगा, तो आपका डेटा कहीं भी नहीं जाएगा, आपके फोन तक ही सीमित रहने वाला है, ऐसा एप्पल ने बोला है। बाकी भाई आप इंटरनेट पर हो तो आपका डेटा ऑलरेडी जा चुका है, ये मेरा मानना है। इसी के साथ जितने भी एआई रिलेटेड फीचर होते हैं फोनों के अंदर जो हमने ऑलरेडी गूगल और सैमसंग के अंदर देखा वो इसके अंदर भी डाल दिया, जैसे कि फोटो में बैकग्राउंड में कोई सब्जेक्ट है उसे आप रिमूव कर सकते हो और एक क्लिक में हो भी जाता है यहाँ पर। लेकिन वो अभी बीटा वर्जन के अंदर नहीं आया ऑप्शन। इसके अलावा कॉल रिकॉर्डिंग का तो आपको पता ही होगा भाई, हर जगह चर्चे चल रहे हैं कि अब आप कॉल रिकॉर्ड कर सकते हो, जब भी कॉल रिकॉर्ड करोगे तो सामने वाले बंदे को इसकी नोटिफिकेशन जाएगी। लेकिन ये एक कदम और एडवांस है। अब कैसे एडवांस है, देखो आप कॉल रिकॉर्ड तो सुन ही सकते हो, साथ ही ये समराइज कर देगा जो भी आपकी बात हुई है
उसको नोट्स के अंदर, जो काफी यूजफुल है। काफी बार मम्मी बोलती है ये सामान लेके आने का, तो भाई मैं भूल जाता हूँ, वहां लिखा आ जाएगा। हालांकि इंग्लिश के अंदर अभी से थोड़ी बहुत डिफिकल्टी होगी, तो भाई मेरे को लगता है कॉल रिकॉर्ड ही सुननी पड़ेगी मेरे को। बाकी इसी की तरह नोट्स के अंदर भी आप कुछ भी बोल के उसे लाइव ट्रांसक्राइब करा सकते हो, जैसे कि सैमसंग के अंदर हमें ऑलरेडी मिलता है। और नोट्स के अंदर मेरे को सबसे बढ़िया ये चीज लगा कि आप मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैंने 5x5 लिखा, अब जैसे मैं इक्वल्स टू लगाऊंगा ना, तो ये सॉल्व करके दे देगा ऑटोमेटिकली। अब आपने कोई ग्राफ बनाया, कोई इक्वेशन आप सॉल्व कर रहे हो, जैसे जैसे आप वैल्यू कम करोगे ना, तो एक ग्राफ का भी साइज उसी हिसाब से एडजस्ट करता रहेगा और ऑटोमेटिकली ग्राफ भी जनरेट कर देता है। तो भाई बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है हम लोगों की पढ़ाई के अंदर। तो इन्होंने नोट्स और कैलकुलेटर ऐप एक तरीके से लिंक कर दिया, और अब जो कैलकुलेटर ना उसके अंदर आप हिस्ट्री भी देख सकते हो कि आपने क्या क्या इक्वेशन सॉल्व करी है। और इसी तरीके से इन्होंने कैलेंडर और रिमाइंडर ऐप को भी लिंक कर दिया। जैसे कि मैंने किसी चीज का रिमाइंडर लगाया, तो कैलेंडर के अंदर दिखा देता है कि इस तारीख का आपने कुछ रिमाइंडर भी लगाया हुआ है। तो ये मेरे को सही लगा, हालांकि एंड्रॉइड के अंदर पहले से मिलता था। बाकी आपके अगर मल्टीपल अकाउंट से आप पासवर्ड भूल जाते हो, तो भाई इसके अंदर आपको पासवर्ड ऐप मिलती है जिसमें आप सेव कर सकते हो, चाहे तो शेयर भी कर सकते हो। जैसे नेटफ्लिक्स का किसी ने पासवर्ड मांगा तो मैं यहां से शेयर कर दूंगा। और T9 डायलर डाल दिया भाई, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो कि एंड्रॉइड के अंदर हमें पहले से मिलता था। मानो मेरे फोन के अंदर किसी का कॉन्टैक्ट सेव है, अब मैं नाम भूल गया कि किस नाम से सेव है, बट मेरे को उसके नंबर की 2-4 डिजिट याद है। पहले मैं टाइप करता था, नहीं आता था, यहां पर पूरा ही नंबर लिखते थे जब ही बताता था कि इस नाम से सेव है नंबर। लेकिन अभी क्या, एंड्रॉइड की तरह मैं 2-3 डिजिट लिखूंगा, उसके बाद ये बता देगा कि भाई हाँ आपका ये नंबर इस नाम से सेव है, और फिर मैं कॉल मिला सकता हूं। और जनरली क्या होता था, जब भी हम रिसेंट हिस्ट्री को देखते थे ना कॉल की, तो यहां पर काफी बार स्क्रॉल करते करते टैप होकर कॉल लग जाती थी, जो कि एप्पल यूजर को सबसे बड़ा दुख था। लेकिन अभी यहां पर कॉर्नर में एक ब्लू डायल है, उस पर जब तक क्लिक नहीं होगी भाई कॉल नहीं लगेगी। तो ये भी मेरे को सही लगा, ये काफी टाइम से मैं अभी चाहता था हो इंप्रूव। और अगर आपको कोई वॉइस मेल करता है, तो भाई ये भी ट्रांसक्राइब हो जाएगा, मतलब सुनने के साथ साथ वो वर्ड्स में भी लिखा जाएगा कि भाई कहना क्या चाहते हो, वो सारी चीजें आपको पता लग जाएंगी। बाकी यहां पर आपके फोन के अंदर अब गेम मोड मिल जाएगा iOS 18 के अपडेट के बाद, लेकिन इसमें भी ब्राइटनेस लॉक का फीचर नहीं है, बीटा वर्जन के अंदर नहीं है, मे बी स्टेबल वर्जन के अंदर आ जाए। अभी तक यहां पर नेटवर्क स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाएगी, और इसके अलावा आप जब भी वायरलेस ईयरफोन लगाओगे तो वायरलेस ईयरफोन की कनेक्टिविटी मतलब लो लेटेंसी मिलेगी। कुल मिलाकर इतना है, तो ब्राइटनेस कंट्रोल का फीचर तो होना ही चाहिए, क्या बोलते हो, क्योंकि एप्पल यूजर के साथ गेमिंग में वही दिक्कत है सिर्फ। और एयरपोर्ट से रिलेटेड एक छोटी सी अपडेट आई है iOS 18 में। पहले क्या था, जब भी कॉल आती थी आपने एयरपोर्ट से लगाया, तो सिरी बता देती है कि भाई इसकी कॉल है। अब यहां पर आप उसे चाहे तो रिजेक्ट कर सकते थे वॉइस कमांड से, या अटेंड कर सकते थे। लेकिन अभी क्या है, आप सिर्फ सर को हिलाओगे ना, मानो ऐसे करा मैंने तो रिसीव होगी, और ऐसे करा तो भाई कट हो जाएगी, जैसे हमने सोनी के ईयरफोन्स के अंदर ऑलरेडी देखा। तो ये वाला फीचर भी फाइनली ऐड हो गया और काफी ज्यादा यूजफुल है। तो ये कुछ मेजर चेंजेस थे iOS 18 के अंदर जो हमने बीटा वर्जन में एक्सपीरियंस करे। इसके अलावा भी छोटे मोटे भाई टचेस डाले, जैसे कि आप बटन प्रेस करोगे तो अंदर की तरफ एक इफेक्ट आता है प्रेस होने का। यहां पर जो फ्लैशलाइट की एनिमेशन है वो काफी ज्यादा मस्त कर दी है। तो ऐसे छोटे मोटे काफी सारे चेंजेस हैं जो कि आपको फोन अपडेट करने के बाद ही मिलेंगे। बट स्टिल मैं कहूंगा स्टेबल वर्जन का वेट करना, उसके बाद आपको मजा आएगा, वरना अभी तो फोन हैंग और हीट हो रहा है। तो बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर। अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है, चैनल सब्सक्राइब कर देना, 1 मिलियन के हम काफी क्लोज हैं। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में, जब तक के लिए जॉन मैगस वगैरह टू वॉच योर हार्ट फिल स्टेड इन विद एचएफपी एंड बॉक्स गाइस।